75% उपस्थिति को लेकर LNMS कॉलेज बीरपुर में जारी की गई सूचना। छात्र छात्राओं को करना होगा क्लास, नहीं तो परीक्षा फॉर्म भरने से रह जाएंगे वंचित। आपको बता दें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार अंतर स्नातक एवं ग्रेजुएशन के छात्र छात्राओं के वर्ग उपस्थिति को लेकर स्थानीय ललित नारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय बीरपुर में सूचना जारी की गई। जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रधान सहायक वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि 75% उपस्थिति को लेकर सूचना जारी की गई है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार इंटरमीडिएट एवं ग्रेजुएशन के अध्ययनतर सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज में कम से कम अपनी 75% उपस्थिति पूरी करनी होगी, अन्यथा छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। जारी सूचना में उन्होंने कहा कि अंतर स्नातक सत्र 2023-25, 4 वर्षीय स्नातक प्रथम खंड सत्र 23-27, स्नातक द्वितीय एवं तृतीय खंड सत्र 2023-24 के छात्र छात्राओं के वर्ग उपस्थिति कर अपना 75% उपस्थिति पूरा करने को कहा गया है, और कहा गया है कि उपस्थिति नहीं होने पर छात्र छात्राओं को परीक्षा देने से वंचित भी किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में लगभग सभी विषयों की पढ़ाई वर्ग तालिका अनुसार हो रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के विभिन्न निर्देशानुसार और अंतर स्नातक और ग्रेजुएशन में जो भी छात्र यहाँ पर अध्ययनरत हैं, उनको 75% कम से कम अटेंडेंस उनको यहाँ पर अपना पूरा करना होगा, उसके बाद ही वो परीक्षा पत्र भरने के हकदार हो सकते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले 24 एंड पार्ट स्नातक और थर्ड पार्ट की परीक्षा पत्र भराया गया था, तो उसमें छात्र छात्राओं द्वारा एक शपथ पत्र महाविद्यालय को दिया गया था कि हम परीक्षा से पूर्व 75% अटेंडेंस पूरा कर लेंगे। उसी को देखते हुए जो है महाविद्यालय व्यवस्था की है कि छात्रा आवे और अपना परीक्षा से पूर्व 75% अटेंडेंस पूरा करे। अभी जैसे नामांकन सेकेंड ईयर इंटर में चल रहा है, तो उसमें परीक्षा प्रपत्र भरा जाना है, उसमें भी छात्र दे रहे हैं कि परीक्षा प्रपत्र भरने से पूर्व लोग जो है 75% अटेंडेंस पूरा करेंगे। और ये छात्र और अभिभावक से आग्रह है, जो वर्ग तालिका है महाविद्यालय के, अपने अपने छात्रों को महाविद्यालय भेजे ताकि वर्ग में उपस्थिति भी और वर्ग संचालन कर ज्ञान भी प्राप्त करे, और जो सरकार और विश्वविद्यालय के निर्देश है उसके अनुकूल परीक्षा प्रपत्र और परीक्षा से पूर्व अपना 70% अटेंडेंस पूरा करे, ताकि आगे छात्र छात्राओं को इससे समस्या नहीं होगी और कुशल अपना परीक्षा में शामिल हो सके। सब छात्रों को सोशल मीडिया न्यूज के मार्फत से महाविद्यालय स्तर से बराबर कुछ दिनों से आपको पता होगा कि हम लोग सरकार के निर्देश के आलोक में बहुत से छात्र का नाम भी यहाँ से कटा गया था, महाविद्यालय से कटा गया था। फिर उनके द्वारा शपथ दिया गया था कि हम यहाँ पर होंगे, क्लियर होंगे क्लास में, और हुए भी, फिर उनका नाम फिर उसमें जोड़ दिया गया था। उन छात्र छात्राओं को कहना है कि महाविद्यालय में आवे और अपना जो है परीक्षा से पूर्व या परीक्षा पत्र भरने से पूर्व जो भी क्लास में अध्ययनरत है वहाँ अपना अध्ययन करे और वर्ग उपस्थिति 70% मिनिमम जो है उसको पूरा करे, ताकि आगे दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो सरकार विश्वविद्यालय निर्देश के आलोक में महाविद्यालय जो कोई भी कदम उठाएगी और आगे भविष्य में उनको परीक्षा और परीक्षा प्रपत्र भरने से वंचित भी किया जा सकता है। इसकी जवाबदेही महाविद्यालय नहीं होगी, छात्र छात्राओं की होगी। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है सर, क्या कहेंगे? नहीं, सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, विश्वविद्यालय से पत्राचार किया गया है, आने वाला दिन में वहाँ पर टीचर आ जाएंगे, और बाकी में टीचर हैं, सब योग्य टीचर हैं, और वो बखूबी अपने टाइम पर उपस्थित रहते हैं। बहुत छात्र अभी 100-150 छात्र आते हैं जो अपना अध्ययन करते हैं, तो जब और का होगा तो उनका भी क्लास चलेगा, जिसमें नहीं है तो उसका भी व्यवस्था किया जा रहा है महाविद्यालय स्तर से। दूसरा टीचर जो मैथ के हैं वो भी अगर इच्छुक है पढ़ने के लिए तो वो भी उनका क्लास ले लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्लास होती है। और यही कहना चाहते हैं कि आप आइए, यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो प्रधानाचार्य से मिलिए, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। घंटी होती है, आप आइए, यहाँ घंटी होगी।